मणिपुर हिंसा की घटना को लेकर संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने आपके निलंबित सांसद संजय सिंह के धरने का चौथा दिन है। अब इस धरना प्रदर्शन में इमोशनल ट्विस्ट आ गया है। संभवतः इस मामले को लंबा खींचता देख संजय सिंह ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दे कि आम आदमी पार्टी को अपने हर मुहिम को इमोशनल ट्विस्ट देने में महारत हासिल है। जब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया तो उस समय भी पार्टी ने अपने इस सियासी ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल किया था। बुधवार को संसद भवन परिसर में कुछ वैसा ही नजारा सामने आया। इसी के साथ संजय सिंह के इंडिया आंदोलन में भी नया मोड़ आ गया है। दरअसल संजय सिंह को लगातार धरने पर बैठ देख उनके परिवार वालों को उनकी चिंता सताने लगी। यही वजह है कि बुधवार को उनसे मिलने उनकी पत्नी, माता और पिता भी संसद भवन पहुंचे। खास बात यह है कि इस दौरान वहां कांग्रेस नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर भी पहुंच गए। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व नेता महाबल मिश्रा भी इस मौके पर मौजूद थे।